हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। थान नगरी बाड़मेर की पंचायत समिति का AEN 5 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार, कार्रवाई जारी। भारत पाक सीमा पर बसे सरहदी बाड़मेर जिले में जोधपुर ACP स्पेशल टीम ने बाड़मेर में बड़ी कार्रवाई करते हुए धोरी मन्ना पंचायत समिति के सहायक अभियंता को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। व्यक्तिगत टांका निर्माण के सिक्योरिटी डिपॉजिट छोड़ने की एवज में 10% कमीशन रिश्वत के रूप में लेते हुए AEN धरा गया है। सिक्योरिटी डिपॉजिट छोड़ने की एवज में ये रिश्वत राशि ली जा रही थी। आरोपी सहायक अभियंता सोहन लाल सुथार, सहायक अभियंता जल संग्रहण एवं भू संरक्षण निवासी गोरठा तगेलान सीकर परिवादी से पूर्व में भी 16 लाख रुपए रिश्वत राशि ले चुका था। ऐसे में 5 लाख रुपए की और मांग की जा रही थी। ऐसे में परिवादी ने जोधपुर ACP में परिवाद दर्ज करवाया कि सिक्योरिटी डिपॉजिट करने की अवज में धनाव पंचायत समिति का AEN मानाराम व धोरी मन्ना पंचायत समिति का AEN सोहनलाल रिश्वत की मांग कर रहे हैं, जिस पर ACP ने परिवाद दर्ज कर भौतिक सत्यापन करवाकर आज 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए AEN सोहनलाल को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। वहीं AEN मानाराम की ACP तलाश में जुटी हुई है। जोधपुर ACP अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दुर्ग सिंह राजपुरोहित के मुताबिक परिवादी ठेकेदार ने ACP में मामला दर्ज करवाया था, जिसके बाद भौतिक सत्यापन किया गया। AEN IWMP योजना के तहत भूमिगत टांका निर्माण की अवज में 10% कमीशन मांग रहा था। धोरी मन्ना पंचायत समिति के AEN सोहनलाल को आज 5 लाख रुपए की रिश्वत राशि के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है, जबकि ACP टीम धोरी मन्ना पुलिस की मदद से धनाव पंचायत समिति के AEN मानाराम की तलाश जारी है। मानाराम ने भी पूर्व में लिए 16 लाख रुपए में साथ था। जागरूक टीवी की बाड़मेर से ठाकर राम मेघवाल की रिपोर्ट।